सूजी तो सभी की फेवरेट है और आजकल काफी चल भी रहा है इसका नाश्ता। और आज हम आपको एक बड़ा नया इनोवेटिव नाश्ता दिखाने जा रहे हैं। द लवली मॉम एंड फाउंडर ऑफ जायका का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज कर रहे हैं हम सूजी बॉल्स। सूजी बॉल्स जो कि बहुत टेस्टी डिलिशियस तो है ही और साथ में वेट कॉन्शियस लोगों के लिए हेवन है, स्वर्ग है, क्योंकि इसमें बहुत कम तेल यूज होता है और ये बहुत टेस्टी लगती है। इनफैक्ट ये रेसिपी आप किटी पार्टीज से लेके बर्थडे पार्टीज में भी बना सकते हैं और सब बड़े चाव से ही खाएंगे। तो मॉम स्टार्ट करें। हाँ, ये मैंने 2 कप सूजी लिया, रवा लिया है, तो उसके लिए 3 कप पानी ले लीजिए आप, फुल लेकर, फुल भर के एकदम ऊपर तक। ये देखिए, इसको हम पानी को बॉईल करना है। इसमें हम सॉल्ट डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। थोड़ा सा मैं 1/2 इंची जिंजर का ग्रेटेड जिंजर डाल रही हूँ, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली डाल रहे हैं। आप खाते हैं तो डालिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं आप इसको। 1/2 टीस्पून इसमें मैं घी डाल रही हूँ। बस इसको बॉईल करेंगे पानी को, एक उबाल आने पर इसको मैं कवर कर रही हूँ पानी बॉईल होने तक। देखिए अब अपना पानी बॉईल होने लग गया है, ये बॉईल हो गया है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ इसको। अभी 2 कप सूजी है, रवा है, वो इसमें डाल रहे हैं। बारीक सूजी? हाँ, बारीक सूजी हो तो बारीक ले, नहीं तो जो नॉर्मल सूजी आती है उसका भी बन जाएगा ये। अब इसको कंटिन्यूस आप स्टिर करते रहिए और धीरे धीरे अपना ये बैटर ठीक हो जाएगा, एकदम डो की तरह बन जाएगा। अच्छा, आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर या चिली फ्लेक्स वो भी डाल सकते हैं, या और भी कोई वेजिटेबल डालना चाहे तो वो ग्रेट करके आप इसमें डाल सकते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब ऐसे हो गई है, बिल्कुल डोकी जैसे हो जाएगी जैसे जैसे ये ठंडा होगा। अब इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे और लुक में थोड़ा सा हल्का सा गर्म रहेगा तभी हम इसके बॉल बना लेंगे, एकदम ठंडा करने पर नहीं। अब ये अपना मैं शिफ्ट कर देती हूँ ठंडा होने के लिए। ये देखिए हमारा डो अब ये ठंडा होने को आ गया है। अब इसको थोड़ा सा हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि कोई लम्स नहीं रहे इसमें। इसमें हाथ में ऑयल लगा के भी? हाँ, हाथ में ऑयल लगा के, ऑयल या घी लगा कर। अब ये अब राउंड बॉल बना लीजिए, छोटे बड़े इस साइज के आपको रिक्वायरमेंट हो। ये देखिए, ये देखिए, अब ये पानी रखा है इसमें पतीले में 4 गिलास, इसको हम कवर कर देंगे बॉईल होने तक। देखिए अब सूजी बॉल्स हमारे बन चुके हैं, ये पानी भी बॉईल हो गया है। मैं इसमें चलनी रख रही हूँ, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी लगा सकते हैं ताकि आपके चिपकेंगे नहीं ये बॉल्स। अब मैं इसमें बॉल्स रख रही हूँ। स्टीमर हो तो आप स्टीमर में स्टीम कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए आप, और फ्लेम को हम फुल कर देंगे। और कितनी देर तक हमें स्टीम करना है? ये 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10? हाँ, मिनट। और इसको आप कवर कर देंगे हम। तो देखिए अब 8 से 10 मिनट हो गए हैं। हाँ, ये हम इसको गैस ऑफ कर देते हैं। सो 8 से 10 मिनट हमें स्टीम करना है मॉम? हाँ बिल्कुल। ये हम इसमें प्लेट में, ये देख, थोड़ा सा कूल कर लीजिए इसको। वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ मैं, कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल नहीं डाले बस। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड डाल रही हूँ। अभी डाल रहे हैं थोड़ा सा ऐसा फोड़ दीजिए। 1 टीस्पून चने की दाल, ये उड़द दाल है, 1 टीस्पून इसको हम सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा पिंकिश होने तक हम इसको कुक करेंगे। देखिए अब हमारी दाल थोड़ी पिंकिश होने लग गई है, हो गई है। अब इसमें मैं करी पत्ता डाल रही हूँ, ये थोड़ी ग्रीन चिली बारीक चॉप की हुई। अब इसमें ये जो बॉल्स बनाए थे सेमोलिना बॉल्स वो डाल रही हूँ।
अब इस पे तड़का अच्छे से लग जाना चाहिए। हाँ बस ये चारों तरफ इसका कोट कर लीजिए। और मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ, इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ थोड़ा सा, हल्का सा, हमने सूजी में भी डाल दिया था सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये ओरिगैनो है थोड़ा सा टेस्ट के लिए, ये चिली फ्लेक्स है कुटी का, लाल मिर्च, ये देखो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। सूजी बॉल्स है, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट और स्नैक का ऑप्शन है। ये जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं। बस ये रेडी हो गए हमारे सूजी बॉल्स, ये धनिया से गार्निश कर लेते हैं। तो रेडी हो चुके हैं हमारे सूजी के बॉल्स, गर्मा गर्म इनको नाश्ते में सर्व करिए ग्रीन चटनी के संग, और एंजॉय करिए इस यम्मी डिलीशियस ब्रेकफास्ट को। जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, बनाइए खाइए और एंजॉय करिए। बाय बाय एवरीवन।